हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नलिज्म में। इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? लुसेंट ऑब्जेक्टिव के एंशियंट हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर क्या, कौन सा? थर्ड चैप्टर है प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर, थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर में 115 क्वेश्चन हैं, हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओ, और हो सकता है जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन हो उस पर हम ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि फिर सही नहीं होगा। तो इसमें और क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट है, एक एक क्वेश्चन मैप के साथ बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट डालना था, मतलब बहुत ज़्यादा मैप, ये साइकिल वो साइकिल सब डालना था। इवन हमें बहुत सारा कंटेंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डालना होता है मैप की मदद से, लेकिन हिस्ट्री में हमें ज़्यादा कंटेंट डालना तो है लेकिन ऐसा कोई मैप वगैरह ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इसमें नहीं डालता हूँ, मैं साथ साथ ही बताते चलता हूँ ताकि आप लोग याद कर सको। आप लोग भी जब ये क्वेश्चन देखो तो आपको मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्वेश्चन के साथ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप थोड़ा सा घर पे अगर सॉल्व करें, अगर टेस्ट सीरीज टाइप की नहीं सॉल्व कर रहे हो, अगर घर पे नॉर्मली 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप एक्स्ट्रा को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एटलीस्ट लिखो, मैं नहीं लेकिन दिमाग में ही ब्रेन स्ट्रॉमिंग करो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या पता चला। ऐसा नहीं कि आप ए बी सी डी लगा दिया और बाकी छोड़ दिया। क्लियर, कोशिश करना। तो इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट है, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी चल रहा है, और हिस्ट्री राकेश यादव सर ने पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। तो आप लोग इसको इस नंबर पे मैसेज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग कर से कैसे, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं क्या करता हूँ, वीडियो को बना के अनलिस्ट करके उसमें डाल देता हूँ लिंक, उसमें कोई ऐड नहीं होता, आप एक्स्ट्रा डाउट पूछ सकते हो, पीडीएफ आपको ये वाला मिल जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब और एक हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स है जिसमें हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं आप। चलिए, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज एक्सेप्टेड एज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन। देखो, जो ओरिजिनल होमलैंड था, यानी ऐसे हम बोला जाता है कि क्रैडल ह्यूमन काइंड का कहाँ है, क्रैडल का मतलब पालना, जहाँ पे जन्म हुआ। तो ह्यूमन काइंड का जन्म अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बोला जाता है, कि सारा ह्यूमन पहले, मतलब जो जन्म हुआ स्टार्ट हुआ वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास हुआ। वहीं से फिर अलग अलग, मतलब ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग इजिप्ट से होते हुए थोड़ा सा ये अरेबियन पेनिनसुला में आ गए हों, धीरे से या फिर आगे आके फिर इंडिया वगैरह में आए होंगे। ठीक है, अलग अलग जगह गए होंगे, कुछ लोग इधर उधर चले गए होंगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रेडल बोला जाता है, कि भाई सारा जो ह्यूमन बींग है यहीं से स्टार्ट हुआ। तो पहला और सेकेंड क्वेश्चन तो सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑप्शन डिस्प्लेज, कौन सा ऑप्शन बताता है ह्यूमन के इवोल्यूशन को क्रोनोलॉजिकली, कि सबसे पहले ये काल था, फिर ये काल, फिर ये काल, फिर ये काल। ठीक है ना, ये सब कौन कौन किस से पता चलता है। तो देखिए, देखो इसमें सबसे पहले जो आया है, सबसे पहला जो आया है वो है ऑस्ट्रेलो पिथेकस अफ्रीकेनस, मतलब इसको पूरा नाम है ऑस्ट्रेलो पिथेकस, और उसके बाद है अफ्रीकेनस। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट 50 लाख से 30 लाख साल के बीच आया है। ये जो आया ह्यूमो इरेक्टस 30 लाख से लगभग ये 1 लाख साल के बीच आया है। उसके बाद होमोसेपियंस, देखो इसको हम नाम क्या जानते हैं पता है, होमोसेपियंस निंदरथल, और इसको हम बोलते हैं होमोसेपियंस मैग्नॉन। तो आप बोलोगे भैया ये जो, आप चलो थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। पहले ये दोनों दांत देखो, ये ए करेक्ट है। आप देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आपको पता है कि ये, क्योंकि सबसे एंसेस्ट मतलब सारे ह्यूमन बींग का एंसेस्टर यही है, और हमें पता है हमारा एंसेस्टर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुआ। तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही मिलता था, मतलब इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद होमो इरेक्टस की बात करते हैं। होमो इरेक्टस
होमो इरेक्टस थोड़ा सा ज्यादा मिला है इंडिया में भी, आपको कहीं कहीं मिल जा सकता है, जैसे नर्मदा रिवर में आपको मिल जा, नर्मदा रिवर के किनारे आपको मिल जा सकता है, ठीक है ना। हथनोरा एक जगह है, वहां पे मिल जाता है नर्मदा रिवर में, और उसके अलावा अफ्रीका, एशिया, यूरोप में सब में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद होमोसेपियंस, आप एक है निंदेरथल। अब क्वेश्चन होता है ये यार, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आता है। एक्चुअली ये वर्ड है जर्मनी में एक जगह है नियंडर वैली, नियंडर वैली वही उसी के नाम से पड़ा है, नियंडर वैली। क्रो मैग्नॉन क्या है? क्रो मैग्नॉन एक्चुअली एक जगह है फ्रांस में, फ्रांस के एक लोकल सेल्टर है उसका नाम है, समझ में आया ना। तो अब देखें थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं। ये है 50 लाख से 30 लाख, 30 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40 हजार बीसी के आसपास, ये 40 हजार से 10 हजार बीसी के पास आसपास। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो अब देखो अर्ली एंसेस्टर यहाँ से आप बना सकते हो। अब देखो और खुद सोचते हैं, होमो इरेक्टस आपसे पूछा जा सकता है। फायर, फायर किसके समय में डिस्कवरी हुई? तो होमो इरेक्टस के समय फायर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कब इंसान ने अपने मतलब बॉडी को आफ्टर डेथ बरी करना शुरू किया? तो ये इस समय में, नियंडरथल के समय में, ठीक है ना। अब ये पूछा जा सकता है कि जो रेसेस का इवोल्यूशन हुआ, जो तीन रेसेस स्टार्टिंग में आए थे, जैसे एक है मंगोलॉयड, नेग्रोयड, कॉकेसॉयड, ये तीन रेसेस का इनिशिएशन कब हुआ? इस पीरियड में। इसको क्रोमैगन या होमोसेपियंस भी बोलते हैं, होमोसेपियंस। तो आपको ये पता है कि सबसे लेटेस्ट यही है होमोसेपियंस, ठीक है ना। मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम भी हमें होमोसेपियंस पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई, ठीक नहीं। तो आप बोलोगे या भैया फिर होमोसेपियंस का आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो अर्थ के हर जगह पे मिला है। हाँ ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देखिए, जब हमारा तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ मैन? मदर ऑफ मैन थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंपल। सबसे पहले मतलब अर्ली एंसेस्टर हमें कहाँ पे मिले? सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में, कोई दिक्कत नहीं। तो अफ्रीका में दो स्कल मिला है, मतलब दो स्केलेटन, एक स्केलेटन मिला है, एक स्कल मिला है, ठीक है ना। एक स्कल, एक फीमेल स्केलेटन मिला है जिसको हम लूसी बोलते हैं, ध्यान देना, फीमेल स्केलेटन मिला है अफ्रीका में जिसको लूसी बोलते हैं। किस पीरियड का है? ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ध्यान देना, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। और एक फोसिल्स मिला है, एक क्या मिला है, एक चाइल्ड का स्कल मिला है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। एक चाइल्ड का स्कल मिला है, एक फीमेल स्केलेटन मिला है, फीमेल स्केलेटन को हम लूसी बोलते हैं। तो लूसी को ही पूरे मैन का हम मदर बोलते हैं, मदर ऑफ मैन, ठीक है ना। मतलब सबसे पहली वुमेन यही है लूसी, समझ में आना। क्या नाम है? लूसी। लूसी को हम मदर ऑफ द मैन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब नाम बस ये अलग ले दिया है, विक्टोरिया अलग, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा विक्टोरिया महारानी तो नहीं है, मैडम क्यूरी तो नहीं है, मतलब ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। लूसी को हम मदर ऑफ मैन बोलते हैं। क्यों मदर ऑफ मैन बोलते हैं? क्योंकि अफ्रीका में जो सबसे 50 लाख से 30 लाख BC के आसपास जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, इस समय में जो हमारा फॉसिल्स फ्यूल मिले हैं, वो अर्लीस्ट ह्यूमन है, अर्लीस्ट हमारे एंसेस्टर है। तो एंसेस्टर में दो फॉसिल्स मिला है, एक तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस जिसको चाइल्ड स्कल बोलते हैं, और एक लूसी। लूसी है एक वुमेन का स्केलेटन है, ठीक है, वुमेन का स्केलेटन है, समझ में आना। तो लूसी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अर्लीस्ट, ध्यान देना, द अर्लीस्ट मैन लाइक क्रिएचर हुच रेसियली डिफरेंट फ्रॉम होमोसेफियंस इन जनरली नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, ये हमको बताना है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है होमिनिड, क्लियर, होमिनिड। तो अर्लीस्ट मैन लाइक कैरेक्टर जिसका रेसियली डिफरेंट था होमोसेपियंस से, तो ये जो, चाहे आप बात करो होमिनिड्स की, चाहे आप होमिनिड की बात करो
या नेदरलैंड की बात करो या किसी की बात करो, तो ये सब पार्ट है होमो इरेक्टस के, होमो इरेक्टस से ये सब निकले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस, अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस इंडिया में रिलेटेड टू ह्यूमन वॉज फाउंड फ्रॉम हुई रीजन ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है किस रीजन। तो हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिया। एक्चुअली इंडिया में जो सबसे पहला कौन है, ऑस्ट्रो एस्ट्रोलोपिथेकस, लेकिन इंडिया में इसका नहीं मिला है। इंडिया में होमो इरेक्टस का फॉसिल्स मिला है। कहाँ से मिला याद आपको बताता हूँ। नर्मदा में एक जगह है हथनोरा, हथनोरा, क्लियर, नर्मदा के नदन बैंक पे मध्य प्रदेश में, वहीं से मिला है हथनोरा, याद रखें हथनोरा, एमपी में है, नर्मदा के नदन बैंक पे। ठीक, नर्मदा। होमोनॉइड, होमोनॉइड फॉसिल्स ऑफ हथनोरा एज, मतलब, और अब आपको पता चला मैंने हथनोरा पे इतना जोर क्यों दिया था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो जिस पे क्वेश्चन आएगा उस पे तो मैं बताऊंगा। तो ह्यूमन का कौन सा पार्ट मिला था, क्योंकि पहला वाला तो ऑस्ट्रो वाला तो मिलना ही नहीं था, वो तो सिर्फ अफ्रीका में मिला है। इरेक्टस वाला इंडिया में मिला है, और वो भी कहाँ मिला आपको, हथनोरा में मिला। ठीक है ना। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, कौन थे ये बताना आपको, अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो जो दो पैर पे चलने वाला है, अच्छे से दो पैर पे चलने वाला है, दोनों हाथ का प्रॉपर यूज करना है अलग काम के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, होमो इरेक्टस के समय में। होमो इरेक्टस को हम अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन बोलते हैं। होमो इरेक्टस कब से स्टार्ट हुआ था, 3 लाख BC से 1 लाख BC के बीच। क्लियर। और क्या याद रखना है, होमो इरेक्टस का एक और नाम है पीथे कैंथ्रोपस। तो ये याद हो गया। इसका एक और नाम क्या है, ये तो हमें पता है, होमो सेपियंस। ये जगह आपको कहाँ पे मिला था ये हमें पता है, जर्मनी। ये है फोर्थ, देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, इसको भी होमो सेपियंस बोलते हैं। एक ये नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रांस में रॉक सेल्टर का एक लोकल नेम है। समझ में आया। डिस्कवरी ऑफ फायर किसके समय में हुआ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, होमो इरेक्टस के समय में। होमो इरेक्टस का एक और नाम क्या है, पीथे कैंथ्रोपस, पीथे कैंथ्रोपस, याद हो गया। ओके हाँ, ये भी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया था ये वाला, कि वरी वरी करना कब स्टार्ट किया था, वरी कब करना कब स्टार्ट किया था, निंडरथल के आसपास, मतलब इस पीरियड के आसपास करना शुरू किया था। तो यही क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज ए ह्यूमन डेट स्टार्टेड द फाइनल डिस्पोजल, यानी डेड होने के बाद आप उसको जमीन के अंदर रखते हो, जो भी करते हो डिस्पोज करते हो, ये पीरियड इसको होमोसेपियंस बोलते हैं। ये कहाँ पे मिला था, देखो याद रखना है, आप ऐसे याद करना है, पहला ए, फिर ई इरेक्टस, फिर एन और फिर एस, AENS, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ऑस्ट्रो वाला, इरेक्टस वाला, उसके बाद नियंडरथल, और उसके बाद सेपियंस। सेपियंस को क्या नाम है हम लेते हैं, क्रो या AENC बोल सकते हो, थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो, इनको भी होमोसेपियंस बोलते हैं। क्लियर। तो इस समय ह्यूमन को वारी करना है। फायर कब, फायर सेकेंड के समय में। क्लियर। बाइफ कब, सेकेंड के समय में। द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग, ध्यान देना, लेटेस्ट एंसेस्टर, सबसे हमारा लेटेस्ट, सबसे नया, तो ऑब्वियसली हमें सबको पता है होमोसेपियंस, लेकिन होमोसेपियंस का एक और नाम तो है ना, क्रोमैग्नोन। क्रोमैग्नोन एक जगह है, कहाँ पे, फ्रांस में। क्लियर। दो तीन और जगह है, एक इटली में है ग्रीमाल्डी, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है, याद कर ले, ग्रीमाल्डी फ्रांस में है, क्रोमैग्नोन, क्रोमैग्नोन। क्लियर। नियंडर वैली के नाम से ये जगह आया है, नियंडर वैली के नाम से, जर्मनी में नियंडर वैली।
इन द फॉलोइंग व्हिच इज लेटेस्ट, भाई चार जो है ना आप प्लीज वो याद ही कर लो, उस पर कितना बार आपसे पूछा जा सकता है, कितना बार। सबसे नया तो यही है ना, क्रोमैग्नॉन। बाई व्हिच नेम वॉज अर्ली होमोसेपियंस नोन, अर्ली अर्ली होमोसेपियंस, ये बताना है आपको। अर्ली होमोसेपियंस सबसे मतलब होमोसेपियंस तो इसी समय आया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रो मैग्नॉन, याद रखिएगा सबसे नया वाला। इन साइंटिफिक लैंग्वेज द मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है, ये हम सबको पता है, क्लियर। होमोसेपियंस सेपियन। फ्रॉम व्हिच साइट फर्स्ट इंडियन पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट वॉज डिस्कवर्ड, ध्यान देना पैलियोलिथिक। तो थोड़ा मैं आपको आपको थोड़ा बताता हूँ, देखो इन पूरे साइट को हमने थोड़ा डिवाइड कर लिया, किस पीरियड में, मतलब कि इस ऐसे करके पैलियोलिथिक ऑलमोस्ट 30 लाख से 10 हज़ार के बीच है, 10 के। उसके पैलियोलिथिक के बाद है मेजोलिथिक, मेजोलिथिक ये है ऑलमोस्ट 9,000 से 4,000 के बीच। उसके बाद है नियोलिथिक, नियोलिथिक ठीक है, नियोलिथिक ऑलमोस्ट है 7,000 से 1,000 के बीच, ठीक है ना। मतलब आप थोड़ा सा ओवरलैप भी है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिवाइडेड है अच्छा से। पैलियोलिथिक को आप तो पता है ना, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, फिर मिडिल वाला, नियो वाला। तो पैलियोलिथिक को हम तीन भाग में और डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और नियो पैलियोलिथिक, या हम लेटर पैलियोलिथिक बोलते हैं, लेटर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेजो लेटर। तो अब देखो क्वेश्चन है कि इंडिया में पहला पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट मिला है, इंडिया में पहला पैलियो आर्टिफैक्ट मिला कहाँ से मिला है। तो पहले मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा। चाहे आप देखो देखो पैलियोलिथिक के बारे में थोड़ा आप देखते हैं, सबसे पहले किनको बोला जाता है, किन्होंने पैलियोलिथिक खोज करना स्टार्ट की थी इंडिया में, इनको ये क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस के नाम पे, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस करके एक थे, ये जियोलॉजिस्ट थे उस समय के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में आई थी उसके जियोलॉजिस्ट थे, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है ना। इसने पैलियोलिथिक साइट की खोज की थी, क्लियर। और एक तो ऑब्वियसली क्वेश्चन उठता है कहाँ पे खोज की थी, भाई एक हैंड एक्स की खोज की थी, हैंड एक्स कहाँ पे, एक जगह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है, ध्यान देना, उसका नाम है पल्लावरम, ठीक है ना, पल्लावरम एक डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, चिंगलपट्ट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, चिंगलपट्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो आप बोलोगे भैया इन्होंने इतना अच्छा काम किया रॉबर्ट ब्रूस को, तो हम इनको क्या बोल दें, इनको हम फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी बोल दें, हाँ बोल देते हैं, चलो बोल दो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट थे, 1851 में इस बॉडी को एस्टैब्लिश की गई थी, हैंड एक्स मिला जो कुल्हारी नहीं होता है हाथ से चलाने वाला, कहाँ पे, तमिलनाडु के पल्लावरम जगह में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट ब्रूस ने डिस्कवर किया पहला पैलियोलिथिक साइट को, ध्यान देना, पहला पैलियोलिथिक साइट को, ये बताना है आपको, ये कब किया ये आपको बताना है। मतलब देखो बॉडी को तो ये तो आपको सिंपल पता है कि 1851 के बाद ही ऑप्शन होगा, तो ये तो मतलब है ही, सारा ऑप्शन वही है, मतलब इतना आसान ऑप्शन हमें नहीं दिया है कि कोई 1851 के बाद का ऑप्शन, पहले का ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो किस साल, तो ये है 1863 में, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे, मतलब उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूटे, वॉज डिस्कवर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया, वॉज ओरिजिनली एक जियोलॉजिस्ट थे, कोई दिक्कत नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। देख लो कितना आसान आसान क्वेश्चन होता है, किनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी बोलता है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा, मतलब ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो एक बार ही हमने यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया और ये याद कर लिया 1963 में। हमारा कई क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन घुमाएगा भी तो भी है कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने क्योंकि वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बन गया था,
तो तमिलनाडु के पल्लावरम में इन्होंने एक हैंड एक्स की खुदाई की, खोज की, और मिला इनको 1963 में इन्होंने किया। ये एक जियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हो कितना माइन्यूट डिटेल पूछ रहा है। जियोलॉजिस्ट थे, तो इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी बोलते हैं। एमोंग द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज अर्लीएस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन? प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कहाँ पे मिला है? देखो ये एक्चुअली हथनोरा में मिला है, ये तो हमने देख ही लिया था। कहाँ पे हथनोरा? नर्मदा के पास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक, जो पैलियोलिथिक साइट में जो लोग रहते थे उनका लाइफ टोटली प्रिमिटिव था, ठीक है ना, टोटली प्रिमिटिव हुआ करता था। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि प्रिमिटिव नहीं होगा, ठीक है ना, टोटली प्रिमिटिव हुआ करता था। चलिए, फूड के लिए डिपेंड रहते थे, हंटिंग पे या गैदरिंग वगैरह पे। बॉडी को कवर करते थे थोड़ा बहुत किसी चीज़ से ढकने के लिए। ड्वेलिंग करते रहते भी थे, एक बना के कुछ थोड़ा सा रह के, मतलब टेम्पररी करके। मेन ऑक्यूपेशन उन लोगों की क्या थी? मतलब 22 नंबर क्वेश्चन है। मेन ऑक्यूपेशन हमने अभी तो बताया, हंटिंग थी और गैदरिंग थी। द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक देखो हमने बताया था ना, पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को भी तीन पार्ट है, अपर, मिडिल, लेटर, ठीक है ना। तो समझ, ऐसे आपको थोड़ा सा डिवीजन करना आना चाहिए। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उनके लिए क्या था ये आपको बताना है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखो, गैम्बलिंग, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिक, नहीं यार ऐसा कहाँ था। हंटिंग गैदरिंग करते थे, इसी से खुश हो जाते थे। क्लियर। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलियोलिथिक वाज, सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी अगर माना जाता है वो फायर के बारे में माना जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि क्या बताएं, मतलब इसके बाद बहुत कुछ करना शुरू किया, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज, देखो अर्ली स्टोन एज हम किसको बोलते हैं? पैलियोलिथिक को, पैलियोलिथिक। तो जो इंडिया में जितने भी टूल मिले हैं, अधिकतर जो टूल मिले हैं वो किस चीज़ के बने थे ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, अर्लीस्ट जो अधिकतर बने थे वो किस चीज़ के टूल बने थे? क्वार्टाइज के बने, क्वार्टजाइट। ये एक्चुअली स्टोन ही है, इन्हीं दो ऐसे ही, इसी के दो टुकड़े को एक्सीडेंटली इन्होंने टक्कर करवाया, मतलब एक्सीडेंटली टक्कर हो गया तो फायर का इनोवेशन हुआ था, मतलब फायर हुआ का इनोवेशन हुआ था, ठीक है ना। मतलब एक्सीडेंटली टच किया, ठीक है। टच करने के बाद अगर उसके पास ड्राई लिप्स वगैरह रख दोगे तो अभी क्या करेगा, जल जाएगा, ऐसी चीज होता है। चलिए, तो 25 तक हम रहने देते हैं, आगे 25 से आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगर किसी आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, और इवन आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ तो आप इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शेयर करना। जितना शेयर करोगे उतना सही होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आपके लिए बनाने का। क्लियर। थैंक यू सो मच।